जय माता की। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, काम धंधे सब बंद हैं, बस ये उपाय करो जो उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। जैसे ही आप इस उपाय को करोगे, उसी समय सारे काम धंधे, आपके बिजनेस जो नहीं चल रहे, ठप हो गए हैं, तुरंत हाथों हाथ खुल जाएंगे। आपका बिजनेस भी ऐसे दौड़ेगा जैसे घोड़ा दौड़ता है, उस तरीके से बिजनेस चलेगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर ये भी बताएंगे कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। पर बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो मेरे जितने भी महाकाली के भक्त हैं या अन्य किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, यदि कोई भी भक्त बिजनेस करता है या फिर काम धंधा करने की सोचता है या करता भी है, तो करते करते उसके काम धंधे में से मन हटने लगता है, बिल्कुल काम धंधे घर के सारे बंद हो जाते हैं, उसके फैमिली में जो भी काम धंधा करता है उसके भी काम धंधे चलने बंद हो जाते हैं और बिजनेस भी ठप हो जाता है, एक तरफ सारा काम आपका गलत ही गलत होता है। तो आप लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? आप लोगों के साथ देखो होता है, एक तो नज़र दोष की वजह से, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई बिजनेस है, किसी भी चीज़ का, किसी भी ब्रांड का बिजनेस हो, तो वो बिजनेस अच्छा चल रहा है तो दुनिया की जो आपसे जलते हैं, अपने घर के ही होते हैं, बाहर के तो बाद में होते हैं, तो उनकी एक नज़र लग जाती है आपके बिजनेस पे, तो आपको लग जाता है नज़र दोष, ठीक है। और दूसरी ओर आपके सारे जितने भी काम धंधे, आपके घर में कितने भी बंदे काम करते हों, वो सब काम छोड़ छोड़ के घर पे बैठ जाते हैं, काम धंधे बिल्कुल हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, 1% भी काम धंधा आपका नहीं चलता है। तो जो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ, ये एक ऐसा महाकाली का उपाय है जो कि सबसे बड़ा महा उपाय है। यदि आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर के सारे रास्ते खुद अपने आप माता काली खोलेगी। अगर आपके बिजनेस में जो भी रुकावट आ रही है, बिजनेस चल नहीं रहा, वो बिजनेस का रास्ता भी माता काली खुद स्वयं खोलेगी। बिजनेस आपका ऐसे चलेगा जैसे कि घोड़ा दौड़ता है और काम धंधे भी ऐसे चलेंगे जैसे घोड़ा दौड़ता है। बस ये छोटा सा उपाय है जो आप लोगों को करना है, तो ध्यान से सुने, वीडियो को एंड तक देखें, जब ही आप लोगों को पता चल पाएगा कि आप लोग किस तरीके से अपने बिजनेस को, अपने काम धंधे को हमेशा के लिए खुलवा सकते हैं, वो भी एक दिन में ही माता काली से। तो ये जो उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये उपाय आपको केवल शनिवार वाले दिन या फिर मंगलवार वाले दिन करना होगा, ठीक है। इसमें आपको किस चीज़ की आवश्यकता होने वाली है? कुछ भी आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 3 नींबू ले लें, ठीक है, 3 नींबू ले लें, 1 जायफल ले लें और उसके साथ साथ 5 लौंग ले लें, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोगों के पास थोड़े से काले तिल होने चाहिए, थोड़ी सी पीली सरसों होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको एक लाल कपड़े में धर लेनी है, जो चीज़ मैंने आपको बताई है लाल कपड़े में धर लेनी है। और लाल कपड़े मतलब पोटली टाइप में इसको बना लेना है, जैसे पोटली होती है वैसे टाइप में बना के ऊपर से आप इसको रबड़ से, किसी भी चीज़ से, रस्सी से बांध दें। और बांधने के बाद इसको आपको क्या करना है, इसको अपने ऊपर से आप लोगों को 7 बार उतारना है, बिल्कुल राइट तरफ से उतारना, जैसे घड़ी चलती है सीधी तरफ से वैसे ही आपको उतारना है, उल्टे तरफ से मत उतारना तो ये काम नहीं करेगा, सीधी तरफ से आपको उतारना है जैसे घड़ी चलती है, 1 2 3 4 उस तरफ से, ठीक है। और सीधे हाथ से ही इस उपाय को करना है, खुद अपने ऊपर से 7 बार उतार कर आप लोगों को अपने घर में, जो घर की आपकी मेन चौकट है, उस चौकट में बांध देना है। जब आप अपने ऊपर से 7 बार उतार लेंगे तो आपको 11 बार माता काली के मंत्र का जाप भी करना है उसी पोटरी में, ठीक है। उस पोटरी को अपने मुंह के पास धर के 11 बार बस मंत्र का जाप कर दे, जो मंत्र है ओम क्रीम कालिकाए नमः। अगर शनिवार के दिन करेंगे तो इस मंत्र का जाप करें ओम क्रीम कालिकाए नमः का। अगर मंगलवार को ये उपाय करेंगे तो आप लोगों को इस मंत्र का जाप करना है, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते।
इसका करना है। तो जिस दिन आप इस उपाय को करेंगे तो ये दो मंत्र यूज़ करेंगे, ठीक है। और आपको 11 बार सिर्फ बोलने हैं मंत्र, ज़्यादा बार भी नहीं बोलने हैं। उस पोटरी में बोल के अपने घर की चौकट पर लगा दें, अगर आपके काम धंधे बंद है या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस आपका ठप हो गया, चल नहीं रहा, तो अपनी बिजनेस जो भी आपकी दुकान है दुकान की चौकट पे लगा दें, या तो फिर अपनी जहां आप दुकान में पैसे रखते हैं वहां रख दें उसे, ठीक है। तो जीवन में आपका कोई भी काम धंधा कभी नहीं बांध सकता ना बंद कर सकता, आपका बिजनेस घोड़े की तरह दौड़ेगा, काम धंधा घोड़े की तरह चलेगा जब आप लोग माता काली का ये छोटा सा उपाय करेंगे। तो दोस्तों आप जल्द से जल्द इस उपाय को करके देखें, आपके दूसरे दिन ही फ़ायदा मिल जाएगा, ये ऐसा महा उपाय है। तो जितने भी भक्त परेशान हैं दुखी हैं वो तो ज़रूर कर लें इस उपाय को। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएँ पूरी करें।